अपने आरएसएस का छोटा रिचार्ज ट्वीट पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने यह तय किया है कि हम मंगलवार को सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। मैंने ये ट्वीट किया कि आप भाजपा से कैसे अलग हैं, भाजपा आरएसएस और आप में कोई अंतर नहीं है, आप नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। सर, आपने ट्वीट किया है छोटा रिचार्ज और क्या क्या बातें बोली हैं, किसके लिए बोला है? मैंने जब ये मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्र कांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट हैं, आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले जाऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं, तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कह रहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में, क्या हो रहा है फिर? ये क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया सर? हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।